सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
भर रूपे महारा वे नारायण नमोस्तुते। दशा करा लवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मंदमदने नारायण नमोस्तुते। लक्ष लज्जे महाविद्ये सद्ये पुष्टि सदे सुवे महारात्रि महाविद्ये नारायण नमोस्तुते। मेधे सरस्वते वरे भोग्य भाग्यभिरामसे नियते संप्रसीदेशे नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकलालमद्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिरस्येदत्ततेजांसि स्वनेन पूयराजयत् सघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरा शृङ्गवसापङ्गचर्जितस्य करोत्कलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकेतां गताभयम्। रोगानशेषानपश्चतुष्ट हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाशयतां प्रयाते। एतत्कृतव्यात् कदनं प्रयाज धर्मां दृशां देवि महासुराणां रूपेरनेकैर्वधात्मवोदयं कृत्वाभिचेत प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु जगत्तधन्य भवन्तकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम्। रक्षाति यत्र क्रविशासनाग यत्र रयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र ददाति मध्ये तत्र सिधा त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयनोरभिते नित्यं यथा सर्वदा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयातु। उत्पादपाकजलिताश्च महोपसर्गान् जनदानां प्रसेदत्वं देवी विश्वातिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामीटे लोकानां वरदा भव देव्यो भाज। वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनशेषद तमृणत्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवा ओचु सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्यो भाज। वैवस्तदन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भविशुम्भस्य पुष्पस्येते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यजोदा गर्भसम्भव तदर्थौ नाशयिष्यामि विद्याचलनिवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यष्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवान् वर्तयन्ता च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति धाडिमे कुसुमोपमाः तदो मान् देवता सर्गे मृत्यलोके च मानवाः सुमन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकान् भूयश्च चतवार्षिक्यमनाभिश्च मनं वसे मुनिर्भिः संसदा भूमौ सम्भविष्यामि योनिज ततः शनेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि अस्मने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा क्षेमितिमान् ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समभवे
परिश्रमे सुरहसकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरे च विख्यातिम् ददायास्यम्यहम् भवेत्। तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गादेवे च विख्यातम् धर्मे नाम भविष्यते। पुरस्याहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनिनाम्रकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे शोषन्त्यानम् प्रमूर्तयः। भीमादेवे च विख्यातम् धर्मे नाम भविष्यते। यदारुणाचत्रैलोके महाबाधाम् करिष्यते तदाहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा सन्ध्याषट्पदम् त्रैलोक्यस्य नार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरे ते च माल्लोकाः सदा शोष्यन्ति सर्वतः। इत्थम् यदा यदा बाधादानवोत्था भविष्यते तदा तदा वदीर्याहम् करिष्यामि संशय। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुह के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवता गण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें। आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है। सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होता है उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होती है दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्धासिता भेषणा कन्या भेकरवारखेट विलस हस्ताभिलाषेभिता हस्ते शक्रगदा शिखेट विशिखा शापं धनं
सभ्य कुरते भूप जगत परिपालन तन्मयते विश्व विश्व प्रसूयते सयाचिता च विज्ञान दुष्टारिध्य प्रयश्यते व्याप्तं दयते सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाले महाकाले महामारे सर्वपय सेवकाले महामारे सेवसृष्टिर्भवत्य चिरं करोति लोकानां सेवकाले सनातने भवकाले जनां सेवा लक्ष्मे विद्यप्रदागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सदा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवे सदा ददाति विद्या पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभम् अत्सुद्धकुञ्जिकास्तोत्र शिववाच श्रीदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डेजाल्पहल्युमा भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं न नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारणं वाहनवस्य सम्मनोदाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ क्लों हौं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलहं झर्णं भट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहद्रेजानि शुम्भसुरघातने जाग्रदं हि महादेवे जपं सिद्धिं गुरुश्रमे हेकारे सिद्धिरूपाय हेकारे प्रतिपालिका क्लेङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाति च यैकारे वरदायिने नित्ये चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां धीं धां धूयते पद्मे भां भीं हौं भागधीश्वरे क्रां ह्रीं क्रों कालिका देवि छां श्रीं ह्रों मे शुभं गुरु हुं 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 काररूपिणे यं 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 वनाधिने भ्रां भ्रीं ह्रां भैरवे भद्रे भवानिष्णे नमो नमः अङ्गं चण्डं दं भं यं षं भीं धुं ऐं भीं हं षं दिलग्रं दिलोदय दोदय देवतं गुरु गुरु स्वाहा पां भीं ॐ पार्वती पूर्णं सां श्रीं ह्रों केचरी तदा सां श्रीं ह्रों गतिहसिदेव्या मन्त्रसिद्धिं गुरु शमे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं कर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपिता रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवि येनां सप्तयते पठे नादस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनायत अथ दुर्गायापद्धनाष्टक नमस्ते शरण्ये त्रिवेदानुगम्ये नमस्ते जगत्यापि केवेश्वरूपे नमस्ते जगवन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे सहि दुर्गे नमस्ते जगचेत्यमानन्दरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अनादस्य दीनस्य त्रिशलदुरस्य भयादस्य भेदस्य बद्धस्य यन्तो
समय का जतन देने निस्तार कर दे नमस्ते जगत तारने साई सूर्य अरण्य रणे दारुणे चंद्र मध्य जले संकट राज के प्रवाद समय का जतन देने निस्तार नमस्ते जगत तारिणे साई दुर्गे अपारे महादासरे चंद गोरे विपस्सा करे वज्जता देह भाजन स्वमें का गतिर रेत निस्तार लोका नमस्ते जगत तारिणे साई दुर्गे नमस्कार के जल दागन लेला समर्थन दागन लाचे जगतो स्वमें का गतिर विंग संदास्त्र नमस्ते जगत तारिणे साई दुर्गे स्वमें का सदारानि सद्दवादि नमस्ते जगत तारिणे साई दुर्गे नमः देवे दुर्गे शिवे भीमदादे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते सर्वे दिवोते सदा काल रात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत तारिणे साई दुर्गे शरणमती सुराला सिद्ध विद्या मुनिधनु जय भगवती देवी नमः वरदे जय पाप विनाशिने
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
धर्म प्रिय बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ भगवती जगजननी के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना माँ की पूजा करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर इन देव पिंडों के सामने नतमस्तक होते हैं, माँ के चरण में अपना मस्तक झुकाते हैं, इस माँ जगजननी माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, इन तीनों माताओं की उन पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि होती है। उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक ये देवी की पूजा इस शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। वास्तव में हम जो भगवान की आराधना करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, माँ के दरबार में आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो ये सभी जो सत्कर्म जो हैं, दीन दुखी की सेवा करना, परोपकार करना, जो धर्म कर्म करना, ये सत्कर्म करने से जो है मनुष्य के पापों का नाश होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, और जीवन जो विघ्न बाधा होती है, जो विघ्न बाधा जो होती है वह सब दूर होती है। मनुष्य का जीवन जो है वह ठीक प्रकार से चलता रहता है और इस संसार में वह सुखों का भोग करता हुआ उसका परलोक भी कल्याण हो जाता है, जे धर्म कर्म करने का जे फल होता है। शक्ति की उपासना जिस सब ओर से परम सिद्धि को देने वाली है। कहते हैं कि एक बार इस पृथ्वी पर जो है 15 वर्षों तक वार्षणी हुई, अकाल पड़ गया, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगे, जल के बिना, अन्न के बिना, भूखे प्यासे, ऐसी परिस्थिति हो गई। परंतु एक आश्रम ऐसा था जहां पर एक ऋषि जो थे तप किया करते थे, किसकी आराधना, माँ भगवती माँ गायत्री की उपासना करते थे। वह ऋषि कौन थे, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो हैं जिस शक्ति के उपासक हुए हैं, गायत्री माता की उपासना किया करते थे, परंतु जहां पर इसका आश्रम था उसके इर्द गिर्द कहीं अकाल नहीं था, अकाल पड़ने पर भी अकाल नहीं था। ये फल था उन मंत्रों का, उस देवी की कृपा का, किस प्रकार से माँ को उन्हें प्रसन्न किया, उनके जीवन में कभी कोई इस प्रकार से कोई विघ्न बाधा नहीं आई। और जिस सब देख करके ब्राह्मण ने विचार किया कि समय जो है एक ही स्थान सुरक्षित है और वहीं जाने से हमारा कल्याण हो सकता है, तो सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए, अन्य लोग जो है एकत्रित हुए और उस आश्रम में जा पर पहुंचे, ऋषि के पास गए, जाकर उनको प्रणाम किया, कहा अकाल से बड़े संकट में है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, तन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, महाराज कृपा कीजिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। तब जो है
गौतम ऋषि अपने आश्रम के भीतर गए जहां वह भगवती की साधना करते थे। माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया, माँ को पुकारा कि माँ आप इस सृष्टि स्थिति संहार का कारण है, आप ही जीव का पालन करती हो। प्रार्थना करते इस प्रकार से कहा कि सब जीव जन दुखी हैं, कष्ट में, संकट में हैं, कोई उपाय कीजिए। कहते कि उस समय गौतम ऋषि ने जब गायत्री माता की उपासना की, मां से प्रार्थना की, प्रार्थना में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। जब हृदय से पुकार की जाती है, देव उस पुकार को सुनते हैं और सुनकर के बैठे नहीं रहते। वे उस संकट को, उस दुख को दूर करते हैं। जैसे संकट काल में द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, प्रार्थना की कि जब चारों ओर जो कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं था, संकट में थी, विपत्ति में थी, तो भगवान का स्मरण किया, भगवान को पुकारा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने पुकार सुनी और सुनकर के बैठ नहीं रहे, तत्क्षण जो है द्रौपदी की लाज बचाई। इसलिए भगवान कहते हैं किसी भी परिस्थिति में आप मुझे याद कीजिए, हृदय से एक बार याद तो कीजिए। और भगवान ने तो जहां तक कहा है कि अंतिम श्वास में भी यदि आप मेरा स्मरण करते हैं तो वह जीव जो है मुझे ही प्राप्त होता, अर्थात वह पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। किसी परिस्थिति में यदि वह मेरा मुझे याद करता, मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं, परंतु याद तो करो। और उस परिस्थिति में गौतम ऋषि ने जब मां को याद किया, मां का स्मरण किया, मां से प्रार्थना की लोक कल्याण के लिए, तो कहते हैं गायत्री माता ने साक्षात दर्शन दिए, साक्षात प्रकट हो गई और गायत्री मां ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं पूर्ण पात्र जो है वह गौतम ऋषि को दिया और वरदान दिया कि आप जो भी मन में विचार करोगे, जो चाहिए होगा, जो भी विचार करोगे, सब इसी पात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। धन इसी से, अन्न इसी से, जल इसी से, वस्त्र इसी से, जो चाहोगे वैसे ही परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा पूर्ण पात्र जो था माँ गायत्री देवी ने गौतम ऋषि को दिया, वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गई। ये गायत्री मंत्र का, गायत्री की उपासना का जो फल है, गायत्री जो है ये वेद माता कही गई है। वेद में पहला मंत्र ही गायत्री आता है और उसका भी पहला अक्षर क्या है, ओम है। इसलिए जिस घर में गायत्री की उपासना होती है वहां कभी दारिद्र नहीं आता। थोड़ा साइड हो जाइए, जब जिस घर में जो है गायत्री मात्रा की उपासना की जाती है उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता, वहां हमेशा जो है सुख शांति होती है और वह परिवार जो है अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, कभी उनके जीवन में कलेश नहीं आते, कोई दुख नहीं आते, कोई विपत्तियां नहीं आती है। ये फल होते हैं मंत्रों के, मंत्रों का जब बार बार जो साधना करते हैं, जब करते हैं कि बार बार मंत्र जब साधना करते हैं, जब करते हैं, वह मंत्र जो सिद्ध हो जाते हैं, फिर जो उस मंत्र को लेकर के आप जब भी स्मरण करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, तो जो है जो भी आपकी मनोकामना होती है वह समस्त मनोवलक्षित कामना जब पूर्ण होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, माँ के दर्शन हुए, गौतम ऋषि जी आश्रम से बाहर आए, हाथ में वह पूर्ण पात्र था। तब जो है जो जो जिनके इच्छा थी, अब क्योंकि ना धन था, ना अन्न था, ना वस्त्र थे, ना जल था, उसी के मन में सब परिपूर्ण हो गया, सब जो खुश हो गए, प्रसन्नता आई। और जो है तब एक स्थान जो नियुक्त किया और सबको जो है, जितने ब्राह्मण जो थे, विप्रगण जो थे, सबको जो है
वहाँ पर स्थान जो है निश्चित कर दिया, जहाँ बैठ करके माँ गायत्री को प्रसन्न करने की उपासना कीजिए और उसके उपासना से जो है अकाल जो दूर हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी जो वहीं रह रहने लगे, सब और जो है आनंद ही आनंद है, सभी प्रसन्नचित हैं, क्योंकि भगवती जो है जी सच्चिदानंद स्वरूपणी, सत्चित आनंद रूपणी, जी सत्य है भगवती और सब प्रकार से आनंद को देने वाली, जिसको हम चाहे आत्म तत्व कहें चाहे उसको ब्रह्म कहें, उसकी उपासना हम पर होने लगी। और जब उपासना होने लगी, आज सभी जो प्रसन्न हैं, किसी को कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। और थोड़े ही समय में इंद्र भगवान ने भी कृपा की, बारिश हुई और सर्वत्र जो है खुशहाली हो गई, केवल मात्र जो है माँ की साधना करने से। और माँ की साधना करने से जो है कहते हैं कि बिल्कुल सब ओर से जो है परम सिद्धि प्राप्त होती ही। और इस प्रकार से वह साधक जो है सो सुख का भोग कर करके अंत में ये परम मोक्ष को देने वाली है, इसी के द्वारा जो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जे बड़ी माँ की अद्भुत कृपा होती है, जिसकी कृपा से जे मानव जो है मनुष्य जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मों को कर्म करता हुआ इस प्रकार से ऐसा सौभाग्य से प्राप्त होता है, इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के माँ के चरणों में बैठ करके माँ से प्रार्थना करने का, माँ की आराधना अर्चना पूजा करने का, माँ की स्तुति करने का, भजन करने का, अपने हृदय की बात माँ को बताने का ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं होता। माँ की कृपा होती है तो ये भक्तों को जिनका जो भला करना चाहती है, जिनका जो कल्याण करना चाहती है, जिनके कष्ट को दूर करना चाहती है, उन्हें अपने दरबार में बुलाती है, चरण बैठाती है, आशीर्वाद देती है और उन भक्तों के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य जो है बड़े बड़े संकटों से, बड़ी बड़ी विपत्तियों से जो है वह मुक्त हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े भयंकर रोग जो है, असाध्य रोग, उन रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जो भक्तजन माँ के शरणागत होकर के जो है भगवती की साधना करते। किसी एक मंत्र को ले लीजिए, रोग निवृत्ति के लिए जो है मंत्र बतलाया गया है, रोगान शेषण अपहंस तुष्ट रुष्ट तो कामन सकलन विष्टन तो अमास्य तनोभवन नराणाम तो अमास्य सहित प्रशांति, रोग मुक्ति के लिए जो मंत्र इसका जप करें। जीवन में जो है मंगल ही मंगल बना रहे, जहां भी जाए मंगल हो, खुशी हो, ऐसे मंत्र जो है सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, माँ भगवती का बीज मंत्र जो है, क्योंकि इस जीव की उत्पत्ति जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति बीज से होती है और बीज जो है एक ऐसा शक्तिशाली होता है, उसी से जो व्यक्ति जो है समृद्धि को प्राप्त होता है। एक छोटा सा बीज जो है, अब देखिए बड़े वृक्ष का कितना ही बीज होता है, अंकुरित होता है, इतना बड़ा वृक्ष जो है विशाल हो जाता है। ऐसे ही जब उस बीज मंत्रों के द्वारा जो है हम भगवती की साधना करते हैं, वो व्यक्ति जो है समृद्धि को प्राप्त होते, वैसे ही तो उस मंत्र का जो है जितना जब हो सकता है बच्चों को मंत्र बतलाएं, क्योंकि जो बीज मंत्र जो ऐसा मंत्र है जिसकी साधना करने से इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है, निरोगी जीवन, निरोगी काया, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, तीनों शक्तियां, हमारा शरीर ठीक चलता रहे, नेत्र शक्ति, कान की शक्ति, जिह्वा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ये शरीर की शक्ति, ये सब शक्तियां जो हैं ठीक प्रकार से काम करती रहें। ये तभी ठीक प्रकार से काम करती हैं जब इस माँ की कृपा होती है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यही भगवती जी चर्चा जितने भी संसार है, कीड़ से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो है, केवल मात्र हमारे लिए नहीं,
ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी जो हैं इस शक्ति के बिना हिल डुल नहीं सकते। जिस समय ब्रह्मा पर संकट आया था मधुकेतु मारने के लिए आगे, तो भगवान विष्णु सो रहे थे, तो ब्रह्मा ने खूब हिलाया जगाने के लिए कि जग जाएं, परंतु अब जो योग माया का अधीन हुए बस सो रहे थे। उसकी कृपा के बिना चेतना कहां से। तब जाकर के जब नहीं जागे और विपत्ति में पड़ गए, क्या करूं कहां जाऊं, तब याद आई कि मैं मां को याद करूं। उस जगजन ने हमें शरीर धारण करवाया है और जिसने शरीर दिया है वही पालन पोषण करती है। एक मां से भला पुत्र की भलाई कौन सोच सकता है। पुत्र को बच्चे को क्या क्या चाहिए वह मां ही जानती है। और इस प्रकार से वह शक्ति जो है भगवती जो है, उस समय ब्रह्मा ने जो है भगवती का स्मरण किया कि मां मुझे भगवान शिव को भगवान विष्णु को शरीर धारण करवाने वाली आप हैं। जब हमें उत्पन्न किया जो असुर को उत्पन्न कर दिए, और जब असुरों को उत्पन्न कर दिए हैं तो फिर विष्णु को जगा दीजिए, जब निद्रा से जग जाएं और इनमें ऐसी बुद्धि डाल दीजिए ताकि उनके साथ बुद्ध कर युद्ध करें, उनको पराजित करें। तो कहा तो समय माँ की कृपा से भगवान विष्णु जगे, उन देवताओं के साथ युद्ध किया, उनको पराजित किया और जो है ब्रह्मा जो थे उस संकट से उस विपत्ति से मुक्त हुए। इसलिए कि कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है जितने भी जीव जो हैं सब उसी मंगलमय शक्ति से संपन्न है। उस शक्ति से संपन्न होकर के हम सब कार्य करते हैं। बुद्धि शक्ति जो ज्ञान शक्ति मेधा शक्ति जो है इससे भली का विचार करते हैं। नेत्र शक्ति से हम देखते हैं, जो हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं इनके द्वारा ठीक से काम करते हैं। जो हाथ जब जो है पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ हिलते नहीं डुलते नहीं है। इसलिए शक्ति जो हमारे अंदर जब विद्यमान रहे इसलिए शक्ति की उपासना की जाती है। माँ की पूर्ण कृपा बनी रहे, हमारा जीवन जो ठीक प्रकार चलता रहे, हमारा शरीर ठीक प्रकार से काम करता रहे, प्रत्येक अंग चाहे वह नेत्र है चाहे कान है, सुनने की शक्ति है चाहे जिह्वा की शक्ति है, ये बुद्धि की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, हम जो चलने में समर्थ रहे, बोलने में समर्थ रहे, सुनने में समर्थ रहे, देखने में समर्थ रहे, विचार करने में समर्थ रहे। और ये सारी शक्तियाँ जो हैं इन शक्तियों को देने वाली ये माँ भगवती है जिसके चरणों में आप बैठे हुए हैं। इस आदि शक्ति की जिन पर कृपा हो जाती है उनके जीवन में कभी को कष्ट कोई विपत्ति नहीं आती। वह शक्ति संपन्न रहते हैं शारीरिक शक्ति से भी, धन शक्ति से भी, बुद्धि शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, समस्त शक्ति से संपन्न होते हैं। जिन पर इस माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता माँ सरस्वती कृपा हो जाती है, इसलिए उन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त जन जो है माँ के दरबार में आकर के इन तीनों माताओं से प्रार्थना करते हैं कि माँ हम पर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों से लगाए रखिए, वो कीजिए कि जिसमें हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो। ऐसा ज्ञान, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि हमें दीजिए, हमारा कुल, हमारा वश जो है, हमारा परिवार जो है अवधि को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, कल्याण को प्राप्त हो, दीर्घायु को प्राप्त हो, निरोगी जीवन उन्हें प्राप्त हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, ऐसी कृपा कीजिए हे माँ। इसी तरह से अपने चरणों से हमें लगाए रखना, अपने दरबार में बुलाती रहना और हमारा सब ओर से मंगल करना। तो सभी बीज मंत्र का पाठ करेंगे, जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। अभी जो है छह तारीख से जो है 6 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। उन नवरात्रों में इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन होते हैं, शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं, उसमें इस मंत्र का जितना जप कर से जप करें और माँ की कृपा से आप शक्ति संपन्न होंगे और शक्ति संपन्न होंगे तो आपका जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोल सच्चे दरबार की जय। श्री जी से मां के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री सुरेश जी।
जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का और सच्चे दरबार की जय। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। सभी हायत कौंसल का दिल्ली ताले नहीं ताले से आवाज मान के दरबार तक पहुंची। एक बार से भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, मां भगवते आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें। आपके झोलियां भरे, आपके मराधे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से इतनी कृपा हम पर करना, इतनी कृपा हम पर करना, हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। इतनी कृपा हम पर करना, इतनी कृपा हम पर करना, हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। बार बार आऊं तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। बार बार आऊं तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। दिल ही करो श्रृंगार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। दिल ही करो श्रृंगार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी, बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया
मैया जी बेड़ा पार कर दो। भाव की माला भेंट चढ़ाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, कर पूजा स्वीकार मैया जी बेड़ा पार कर दो। कर पूजा स्वीकार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हमको तो सुख भोग ही प्यारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा, देना जिसमें हित हो हमारा, देना जिसमें हित हो हमारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा, देना जिसमें हित हो हमारा, देना जिसमें हित हो हमारा, तुम ही हो पालन हारा मैया जी बेड़ा पार कर दो। तुम ही हो पालन हार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे नाम बिना ते सानू कौन गरीब नू जान लाए, तेरा नाम लेके लंघ पर जावा मां सानू आसरा तेरे नाम दाए, मां सानू आसरा तेरे नाम दाए। ओ असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी ओ तेरे दर ते आवांगे, कोई लोड़ पई ते मंगांगे ते शुक्र मनावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगांगे ते शुक्र मनावांगे।
ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 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 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਈਆ ਆਪ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਈਆ ਆਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਈਆ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਈਆ ਆਪ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮਈਆ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮਈਆ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮਈਆ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਮਈਆ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਮਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਮਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਈਆ ਏ ਤੇਰੀ ਏ ਮਾਂ ਠੁਕਰਾਵੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਕਰਦੀ ਨਿਹਾਲੇ 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 ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਮਈਆ ਰਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਾਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਾਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਾਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ
ਨਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ 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 ਨਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 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 ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੁਜੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਮਾਂ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਮਾਂ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੁਣ ਚਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਚਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਮਾਂ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਤੇਰੇ ਪੌਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੌਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੂ ਦੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੂ ਦੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦਲੀ ਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੇ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਬਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਵੇ ਬਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਲਚਾਵੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਲਚਾਵੇ ਦਿਲ ਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦ ਘਬਰਾਵੇ ਦਿਲ ਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇਰੇ ਪੌਣ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਵੇ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਗੁਫਾ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਆਪ ਬਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ
दसदी जयकारा शिरवली और सच्चे दरबार की जय। बंधु कतांचन रचिराक्षमाला पाशा कुशाचरदान जवाहुदंड विभ्राणमंदु शकला वरणां त्रिनेत्रां अर्धांबिके समर्षं वपुराश्रयामि सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ विभूति की असीमन कंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा ही जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान सस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भुवत करणे धान गणस्थो भव तेजस्वी भव धैर्य धर्मदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संतो मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम उदयस्त शरीर वर्चस् आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निषद न जावत मैया जी को निषद न जावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी नाग सफर महाराज तो मन को मैया जी को मृग मद को ज्वल से दो नैना ज्वल से दो नैना चंद्र वदन नी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कल रातांबर राजे मैया रातांबर राजे पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया खड़ग पर धारी सुर नर मुनि जन सेवक दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कुंडल नाथ मोती मैया नाथ गे मोती मोत
परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, आप बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे, शामिल करके बोलना। ओ, ओ,
देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ सर्वे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना कारज करो हमेश जयवा आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहल दो सटगड़ी दो चरणाधार ध्यान
खड्गम् चक्रवरेषु चापवरिघान् शूलं वशुण्डिं शिला शङ्खं धन्धतिङ्करे स्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाकमाघविमाशवाददशकाम् देवे महाकालिकां यावत्तो स्वविते हरो कमलजो हन्तं मधुं केतवम् अक्षात् लघुवर्षुङ्गलेषु कुलिशं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं बाजुदर्शने सदति हस्ते प्रसन्नानां सेवे लक्ष्मी सरोजस्तुता घण्टा शूलहराणि शङ्खमुदरे चक्रं गणोतायकम् अष्टाभिधिङ्गरान्तविलसं शीताशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमर्थवान्त जगता आधारभूतामः पूर्वा भद्र सरस्वती पर्वजे शुम्भाभिगच्छामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भजगचयनं कल्पनामं सुरेशं विश्वाधारं जगदसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिविद्यालयं वन्दे विश्वभ्रमरणं सर्वलोकेकनाथं केशवं रामनामयनं शिखरं माधवं कविता पल्लवं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तु हे माय मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई पंच पुनारानी माता तेरी सदाई सर्वत्रा भला करण वाली माता तेरी सदाई सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदाई लोंगड़ा भीड़ ढाकुर तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष 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 बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।